हाल ही में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसकी फोटोज भी पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर की थी। पीएम मोदी की इस यात्रा पर अब काफी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी का भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देना मालदीव के कुछ सत्ताधारी नेताओं को रास नहीं आया। उन्होंने न केवल पीएम मोदी का मजाक बनाया बल्कि भारतीयों पर हेटफुल और नस्लीय कमेंट्स भी किए थे। अब वही इस पूरे मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और बॉलीवुड के सितारे भी भारत के सपोर्ट में आ गए हैं। क्या कुछ कहा है सितारों ने, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मालदीव की महिला मंत्री मरियम शियोना द्वारा पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अक्षय कुमार आग बबूला हो गए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक्टर ने पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की। एक्टर ने कहा, मालदीव की प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की। हैरानगी इस बात की है कि वे ऐसा उस देश में कर रहे हैं जहां से उनके देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। दूसरी तरफ एक्टर जॉन अब्राहम ने सुंदर भारतीय समुद्र तटों की तस्वीर शेयर की और लिखा, अद्भुत भारतीय हॉस्पिटैलिटी अतिथि देवो भवा के विचार और विशाल समुद्री जीवन की खोज के साथ लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। यही नहीं, सलमान खान ने भी मालदीव पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भारत के टूरिज्म को सपोर्ट किया है। एक्टर ने लिखा, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत देश में है। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये सभी तस्वीरें और मीम्स मुझे अब सुपर फोमो बना रहे हैं। लक्षद्वीप में ऐसे प्राचीन समुद्र तट और तट रेखाएं हैं जो स्थानीय संस्कृति से समृद्ध हैं। मैं इस साल एक छुट्टी बुक करने की कगार पर हूं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर मालदीव सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और बयान जारी करते हुए कहा है कि मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से अवगत है। यह राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।